नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शिवलोक बना शिवलोक। जी हाँ, आपको बता दें कि वाराणसी में चैत्र नवरात्र के पंचमी से सप्तमी तक चलने वाले श्री श्री 1008 बाबा महाशमशान नाथ का त्रिदिवसीय श्रृंगार महोत्सव संपन्न हुआ। नगर वधुओं ने नृत्यांजलि से अर्पण किया शिव को अपना श्रद्धा सुमन। आपको बता दें कि तीसरे दिन बाबा का सायंकाल पंचमकार का भोग लगाकर तांत्रिक विधान से भव्य आरती किया गया। ऐसी मान्यता है कि बाबा को प्रसन्न करने के लिए शक्ति ने योगिनी रूप धरा था और बाबा का प्रांगण रजनीगंधा, गुलाब व अन्य सुगंधित फूलों से सजाया गया था। आरती के पश्चात नगर वधुओं ने अपने गायन व नृत्य के माध्यम से परंपरागत भावांजलि बाबा को समर्पित करते हुए मन्नत मांगे कि बाबा अगला जन्म सुधारे। यह बहुत ही भावपूर्ण दृश्य था जिसे देखकर सभी लोगों की आंखें डबडबा गईं। इस श्रृंगार महोत्सव के प्रारंभ के बारे में विस्तार से बताते हुए गुलशन कपूर ने कहा कि यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है, जिसमें यह कहा जाता है कि राजा मानसिंह द्वारा जब बाबा के इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था तब मंदिर में संगीत के लिए कोई भी कलाकार आने को तैयार नहीं हुआ था। हिंदू धर्म में हर पूजन या शुभ कार्य में संगीत जरूरी होता है। इसी कार्य को पूर्ण करने के लिए जब कोई तैयार नहीं हुआ तो राजा मानसिंह काफी दुखी हुए और यह संदेश उस जमाने में धीरे धीरे पूरे नगर में फैलते हुए काशी के नगर वधुओं तक भी जा पहुंचा। तब नगर वधुओं ने डरते डरते अपना यह संदेश राजा मानसिंह तक भिजवाया कि यह मौका अगर उन्हें मिलता तो काशी की सभी नगर वधुएं अपने आराध्य संगीत के जनक नटराज महाशमशानेश्वर को अपनी भावांजलि प्रस्तुत कर सकती हैं। यह संदेश पाकर राजा मानसिंह काफी प्रसन्न हुए और ससम्मान नगर वधुओं को आमंत्रित किया गया और तब से यह परंपरा चली आ रही है। वहीं दूसरे तरफ नगर वधुओं के मन में यह आया कि अगर वह इस परंपरा को निरंतर बढ़ाती हैं तो उनके इस नरकीय जीवन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। फिर क्या था, आज सैकड़ों वर्ष बीतने के बाद भी यह परंपरा जीवित है और बिना बुलाए यह नगर वधुएं कहीं भी रहें चैत्र नवरात्रि के सप्तमी को यह काशी के मणिकर्णिका घाट पर स्वयं आ जाती हैं। तत्पश्चात बाबा का रात्रि पर्यंत चलने वाला जागरण प्रारंभ हुआ जो कि जलती चिताओं के पास मंदिर में अपने परंपरागत स्थान से प्रारंभ हुआ। इसमें सर्वप्रथम आए हुए अतिथियों का स्वागत मंदिर के व्यवस्थापक गुलशन कपूर व अध्यक्ष चैनू प्रसाद ने किया। ऐसे ही धर्म और संस्कृति की खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वी एक्सपर्ट न्यूज। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।